हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं विनीता नेगी आपका स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको मैं दिखाऊंगी अपनी खेती बाड़ी, हमारी खेती बाड़ी कैसी हो रही है। नीचे के खेत में हो रखी है गोभी, और ऊपर ये हमने गोभी पहले लगा दी थी, ये भी हो गई। अब इसमें गोभी आना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये हो रखा है, वो क्या बोलते हैं, सरसों। ये सरसों हो रखी है। और ये आज मैं प्याज के पत्तों की सब्जी बना रही हूँ, तो ये है प्याज के पत्ते। और ये है मटर की खेती, और उधर धनिया की खेती हो रखी है। इधर नीचे आलू लगा रखे हैं, उधर लहसुन लगा रखा है, उधर प्याज लगा रखा है। और दोस्तों, मैं आपको आज एक चीज़ दिखाती हूँ, आजकल ठंड के मौसम में बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये देखो, पुलम्स आजकल हो रखे हैं हमारे घर में। अभी पेड़ में दो तीन और बच रखे हैं, पता नहीं आजकल कैसे हो गए। आजकल तो बहुत, वैसे भी बहुत कम देखने को मिलते हैं पुलम्स। तो ये है पुलम्स का पेड़। और अभी मुझे खेत में गिरा हुआ मिला ये पुलम्स। तो दोस्तों, आपको हमारी खेती कैसी लगी, खेती बाड़ी कैसी लगी, ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको प्याज के पत्तों की सब्ज़ी अच्छी लगती है? आज मैं प्याज के पत्तों की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो अगर आपको भी अच्छी लगती है तो ज़रूर आइए खाने के लिए। और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये आपको प्याज की सब्ज़ी कैसी लगती है। और ये हो रखी है हरी भरी सरसों, इसमें फूल आ गए। अब कुछ दिनों में दाने भी आ जाएंगे अभी। और ये प्याज, ये मैंने अभी काट दिए हैं, अभी बहुत टाइम है इनका आने में। और उधर गोभी हो रखी है, उधर हमारे ये हमारा नींबू का पेड़ है ऊपर, और उधर छोटे वाले नींबू, कागजी नींबू वो है। इस बार कागजी नींबू भी बहुत ज़्यादा रखे हैं। और ये है अनार का पेड़, और इधर हमने जौ बो रखे हैं। और ये ऊपर है बेलपत्री का पेड़, इसमें भी अभी बहुत सारे बेलपत्रा रखे हैं। और दोस्तों, बेलपत्री का जूस आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी इस बार बेलपत्र बहुत ज़्यादा रखे हैं, बहुत ऊपर लगने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरा हाथ वहाँ नहीं पहुँचता। और ये है हमारे घर में खजूर। खजूर तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, जिसका झाड़ू बनता है वो वाला खजूर है। और ये आम का पेड़, ये छोटा बेलपत्रा है। उधर भी नींबू का पेड़। ब्यांसी को देखो, ये फूल तोड़ रही है, फूलों को तोड़ के चुन चुन के फेंक रही है। इसकी शैतानी दिन ब दिन बहुत बढ़ रही है। हाय बोलो तो, हाय बोलो। जब इसको बोलने के लिए बोला जाए तो ये बोलती नहीं है, और आगे पीछे खूब बोलती है। दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ इलायची का पेड़, जो हमें लगाए हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन अभी इसमें इलायची नहीं आ रखी है। अभी इसका पेड़ बहुत छोटा है, पता नहीं इसमें कब तक इलायची आएंगी। तो दोस्तों, ये ऐसा होता है इलायची के पेड़, अगर आपने नहीं देखा है तो, और अगर आपने देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताओ। तो दोस्तों, अभी इसमें इलायची आना शुरू नहीं हो रखी है, पता नहीं कब तक इलायची आएंगे और कब तक हम इलायची देख पाएंगे इसमें। इसे लगाए हुए बहुत टाइम हो गया वैसे। तो दोस्तों, आज कि अपनी दिनचर्या मेरी ऐसी है, आपकी दिनचर्या कैसी है वो आप ज़रूर बताना कमेंट में। तो दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, अब मैं प्याज के पत्ते काटूँगी। ये देखो दोस्तों, प्याज के पत्ते बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में, और इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। आपको कैसी लगती है ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये देखो, आज मैंने सुबह आंगन में लिपाई घिसाई कर रखी है। लिपाई घिसाई करके आंगन बहुत ही अच्छा लगता है। और नीचे खुशी अभी वो खा रही है, घास खा रही है, और देख रही है ऊपर को, पता नहीं क्या देख रही है। वो सोच रही होगी मेरे लिए ला रही है प्याज के पत्ते। तो
दिव्यांशी गिरेगी आ जा। और ऊपर जिमी देख रहा है बैठ के, जिमी और रॉकी देख रहे हैं, सोच रहे होंगे कब गेट खुलेगी, कब हम बाहर भागेंगे। तो दोस्तों तुमको मेरी पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताया, और लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, और सब्सक्राइब करना जन भूलिया मैं चैनल का। धन्यवाद।